इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदवड़, श्रीमती भवरी देवी चांदवड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी ददनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत, अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। आपको आश्चर्य होगा कि तुम लोग चक्कर लगा के महाराज को भी अपने बस में कर लेती हो, करते कि नहीं? कैसे चक्कर लगा के बस में करते हो? महाराज आहार पे निकले और महाराज ने जैसे तुम्हें देखा और महाराज को तुमने देखा, विधि मिली, महाराज तुम्हें नहीं देखते, विधि को देखते नहीं, तुम कहो तो महाराज हमें खूब देखते हैं। महाराज ने विधि मिली और जैसे विधि मिली महाराज खड़े हुए और तुमने चक्कर लगाई, फिर महाराज पीछे पीछे हो तुम आगे आगे, जिसके चक्कर लगाओगे वो तुम्हारे पीछे अपने आप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कितने चक्कर लगाए एक दूसरे के? राजेश भाई, अनीता बहन के कितने चक्कर लगाए? सात लगाए थे ना? ख्याल करो ये सात चक्कर में राजेश भाई अनीता बहन कितने चक्कर में आगे थी? छह। सातवें में राजेश भाई खुद आगे आए, उन्हें चलो हटो पीछे आओ मैं आते आऊंगे। आप विचार करना, इस सात चक्कर में सात जन्मों के लिए बंध गए, सात जन्म जन्म का इन्होंने, और ये सात जन्म मालूम इस शरीर की जो परतें हैं ना वो सात ही हैं, ये आत्मा का संबंध हो गया, शारीरिक संबंध हो गया, लेकिन वो शारीरिक संबंध जब आत्मा का संबंध बनता है ना तो विचार करके रखना, संसार में दुख नहीं आता है, संसार में सुख होता है। और जब शारीरिक ही संबंध बना रहे, हम सात परत के अंदर जो आत्मा है उसके पास ना जा पाए तो हमें दुख होता है। जिन परिवारों में शारीरिक संबंध है, मानसिक संबंध है, समझ के रखना वहां सुख मिलने वाला नहीं है, और जहां आत्मिक सुख है ना, आत्मिक संबंध है, वहां कभी कोई दुखी हो नहीं सकता, एक गारंटी से मैं कह सकता हूं। कभी कभी आप बोलते हो ना, आपका हमारा आत्मीय संबंध है, ये आत्मीय संबंध का मतलब ही इतना है कि आत्मा का संबंध है। हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के मन को देखकर जी रहे हैं, हम एक दूसरे के शरीर के लिए जी रहे हैं, हम भावनाओं को समझना ही नहीं चाहते हैं। विचार करो, हम इस द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित होने वाली आत्मा हैं, सिद्धों की नहीं, हमारी ही आत्मा है। हा? मैं हूं शुद्ध निश्चल निष्काम ज्ञाता अधिष्ठा, ये राम है ना, राम, मुंह खोलते ही रा और मुंह बंद करते ही माँ, जो 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 संसार में मुंह खोलते हैं और मुंह बंद करते हैं उन सबके वो राम हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देखना आप राम में राम बोलकर देख लो, राम राम मुंह खोलते ही, और ये राम तो हर जगह काम में आते हैं। अरे राम, हे राम, राम भरोसे रहो तो पर्वत पे हरियाओ, कितनी जगह राम काम में आते, हर जगह। बच्चे को अगर कोई गल नजर न लग जाए तो क्या लिखते गले में, हाय राम। ख्याल करना, ये राम शब्द हर जगह काम में आप लेते हो और हर जगह उसका उपयोग करने का प्रयास करते हो। कैसे कैसे राम का उपयोग करते हो आप ख्याल करना, कहीं कहते हो आप हे राम, कहीं कहते हो आप अरे राम, कहीं कहते हो आप, कैसे कैसे राम शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में करते चले जाते हो, अपने जीवन में लेकर आते हो, और उन राम के शब्दों से आप अपने आप को समझने का प्रयास करते हो। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, हम अपने जीवन में द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से हटना है तो ध्यान ध्याता ध्येय, द्रव पूजा से बचने का प्रयास करो, करो द्रव पूजा, लेकिन भाव पूजा की ओर भी ख्याल रखो। हम इतना ही विचार करें, आराध आराधक और आराधना किसकी हम कर रहे हैं, आराध आराधक आराधना हम जिसकी कर रहे हैं उसकी तरफ हम दृष्टि चल कर लेंगे तो अच्छा होगा। वैसे संसार में देखा जाए तो
तो तीन में बातें पूरी हो जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन। जब तक ये तीन नहीं मिलते हैं तब तक बात पूरी नहीं होती है। आचार्य उमास्वामी ने भी तत्वा शुद्ध गति में कह दिया ना, क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, बहुत सुंदर, आप लोगों को याद है। तो ये मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष नहीं है, लेकिन इन तीनों के हटाने से, इन तीनों में एक भी चीज कम हो गई तो मोक्ष मिलने वाला भी नहीं है। आप मंजिल के किनारे तक तो आ गए हो, अब मंजिल को प्राप्त करना है, ख्याल करके रखना, वो आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आराध आराधना और इन सबको एक कर दो। ध्यान करने बैठते हैं, जब तक हमारे मन में ध्यान करने के साथ साथ मैं ध्याता हूँ, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ और जो क्रिया कर रहे हैं वो ध्यान है, ध्येय ध्याता, अब ये तीनों को एक कैसे करना है, ख्याल करना, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है वो वही है, जो कुछ है वो वही है, ऐसा अंदर में अंदर में अंदर में उतरते जाना है। जब अंदर में उतरते जाओगे, पांच मिनट के लिए तो उतरने का प्रयास करो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, हाँ, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जब वो तुलसीदास ये बात कह गए, एक घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, तो वो साधु कोई और नहीं, तुम खुद हो। संतों की संगति बहुत बार कर ली, परमात्मा की संगति बहुत बार कर ली, बाहर के लोगों की संगति बहुत बार कर ली, हरे कोटि अपराध, करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या बन रहा है, हमने बाह्य संगति तो कर ली और बाह्य दृष्टि से कर ली, लेकिन अंदर की संगति आज तक नहीं कर पाई। कितने बार तुम अपने बारे में सोचते हो, मैं अक्सर एक बात हमेशा कहता हूं, लोग मेरे पास आते हैं और बोलते, महाराज आशीर्वाद दो मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो महाराज मेरा पति अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा परिवार अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा पड़ोसी अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए, सारी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, एक आशीर्वाद मांग लो, महाराज आशीर्वाद दो मैं अच्छा हो जाऊं, और तुम अच्छे हो गए तो दुनिया अच्छी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात, विचार करना, अच्छा तुम्हें होना है, दूसरे कभी अच्छे होने वाले नहीं हैं। हम उस तत्व को पाने का प्रयास करें, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कि जो स्वयं तत्व है, जिसको पाना है, उसके लिए जीवन, पांच मिनट अपने लिए बिल्कुल सब चीजों से रहित होकर, सुबह उठो तो सुबह बैठ जाओ, अपने लिए बैठ जाओ, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठ जाओ और उसमें चिंतन करो, इस शरीर के जो आठ कर्म है ये हमको संसार में ही फंसाने वाले हैं, राग द्वेष सबसे ज्यादा, क्योंकि राग द्वेष संतान है मोह की, और सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई कर्म है तो मोह, ख्याल करके रखना, मोह कर्म इतना खतरनाक है कि आप यहां पर जो मोबाइल लेके बैठे हैं ना, ये मोहिनी कर्म चल रहा साथ में, क्योंकि मोह का भी अक्षर पहला मां है और मोबाइल का पहला अक्षर क्या है, इससे ज्यादा बड़ा मोह कोई और नहीं हो सकता। और आजकल तो इतना वो है कि मोबाइल के अंदर तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी दुकान में क्या हो रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, वो सब यहीं बैठे बैठे दिख रहा। लेकिन इसको कैसे कम करें, हमसे पूछा आज सुबह, हमारे पास कुछ साधक बैठे थे, उनने पूछा कि महाराज ये सब जन्म मरण के बंधन से, ये मोहिनी कर्म के बंधन से हम कैसे दूर हों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आसक्ति कम करो, इतना ही विचार करके रखो, क्योंकि ये सब जो चल रहा है, चलता था, चलता है, चलता ही रहेगा, इसमें तुम ना करो तो भी चलेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ये भावना बैठी है कि मेरे बिना नहीं चल सकता, थोड़ा तो उसके लिए बचो, एक घंटा के लिए कम से कम छोड़ो, दो घंटे के लिए छोड़ो,
उसमें देखो कितने बार तुम्हें विकल्प हो रहे हैं, ये घंटा मौन लेकर देखो कितने बार बोलने की इच्छा हो रही है। हमारे तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक नहीं बोलते हैं। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक नहीं बोले और हम 12 मिनट में ही अपने कितने भाव कर लेते हैं बोलने के। उस वक्त तुम समझना कि तुम्हारी परिणति क्या चल रही है, तुम्हारे अंदर की भाव दशा क्या चल रही है। हम इतना ही विचार करें, द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म से बचने का प्रयास करो। मोह की संतान है राग और द्वेष, उसमें आप आसक्ति नहीं करो, लेकिन होगी ही होगी। अनुकूलताओं में राग होता है और प्रतिकूलताओं में द्वेष होता है, और साक्षी भाव में न राग होता है न द्वेष होता है। समझ का जागरण हो जाए तो राग द्वेष से हम बच सकते हैं, लेकिन हमने ऐसी वस्तुओं को अपने ऊपर आरोपण कर रखा है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं, वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये भाव दशा से बचो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं ध्रुव है वो आत्मा, उसके बाद कह रहे हैं अचल है आत्मा, अमल है, तीन मलों से रहते हैं, द्रव मल कर और भाव मल और नौ कर्म मल, शरीर आदि से रहते वो आत्मा। उसके बाद ध्रुव ट्रंकोत्कीर्ण अविनश्वरी, अविनश्वर है वो आत्मा जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होगा। ये आप जो आपकी धरोहर है वो सबसे बड़ी धरोहर आपके पास आत्म तत्व है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो तुम्हारी स्वयं की धरोहर है। तीसरे पे नंबर पे कह दिया जो अचल है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं। संसार कितने प्रकार का होता है पूछा जाए तो आप कहोगे संसार तो महाराज जी दो प्रकार का कह दो, लोकाकाश अलोकाकाश। लोकाकाश कहेंगे तो तीन प्रकार का कह दो, अधोलोक वाला संसार, मध्यलोक वाला संसार और ऊर्ध्वलोक वाला संसार। मैंने आगम की परिभाषा की थी ना राजेश भाई के घर पर, आगम में तीन अक्षर है ना, तीनों अक्षर तीनों लोक के प्रतीक हैं। आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक और मा माने मध्यलोक। ये आगम है, आप विचार करना हमारे शरीर में भी है आत्मा आगम। आ माने आत्मा, गा माने गमन, मा माने मन। तो आप विचार करना, गमन अगर तुम्हारा आत्मा की ओर हो रहा है तो सिद्धत की प्राप्ति कर लोगे, और मन की ओर गमन कर रहे हो तो संसार की प्राप्ति में चली रहे हो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अचल संसार 5 प्रकार का है। का संसार कौन सा है? द्रव रूप में संसार है, क्षेत्र रूप में संसार है, काल रूप में संसार है, भव रूप में संसार है और भाव रूप में संसार है। जो पंच परावर्तन है वो पंच परावर्तन रूप ही तुम्हारा संसार है, लेकिन हमने तो जाना ही नहीं, हमने तो जाना है संसार खाना पीना मौज करना मस्ती मनाना। महायज्ञ जीत गए, बहुत सुंदर, तालियां बजा लो इनके लिए। अब वो क्रिकेट भी जीतना है जो अंदर है। मिथ्यात की बॉल आ रही है, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र्य, तीन विकेट खड़े हुए हैं। अब मिथ्यात की बॉल आ रही है और जो बैट है ना वो बैट संयम का है। जैसे मिथ्यात की बॉल आए संयम का बॉल बैट लगाओ और रत्नात्रेय को बचाओ तो मोक्ष मार्ग का तुम्हें खिताब मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाउंड्री के पार आप विचार करके रखना, और वो जो बिच है ना जहां पर दौड़ लगा रहे हैं दो लोग, वो राग द्वेष की दौड़ लगा रहे हैं, और राग द्वेष वो कह रहा कि हमको मिले, वो कह रहा हमको मिले, और जो वो प्लेयर खड़े हैं ना कैच पकड़ने को, वो सब 5 पाप है ना, 5 इंद्रियां कितनी होते हैं वो कैच करने वाले, 11 होते ना, तो 5 पाप 5 इंद्रियां और एक मन, 11 खड़े हैं।
जैसी तुम्हारे फिसले तुम्हारी बॉल गई तो वो पकड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम संयम के उससे ऐसा मिथ्या को छक्का लगाएंगे कि वो तो पकड़ते ही रहेंगे और गेंद बाहर चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात, पकड़ में नहीं आना चाहिए। हो गया क्रिकेट, वो ही क्रिकेट करना है। वो लोग तो आउट करना चाहते हैं, वो लोग आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमें आउट नहीं होना है। विचार करना, ये बहुत सुंदर आत्मा है जिसको हमें परमात्मा के रूप में, परमात्मा ही है लेकिन हमें उसे बनाने का प्रयास करना। मैं देख रहा हूं कि आपको जो बात समझ में आती है आप ताली बजा देते हो, और जो बात समझने वाली है वो बात में उदास हो जाते हो। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। आज हम आठ गुणों को यहाँ पर, भगवान अचल है, अमर है, अचर है, और तो और भगवान अनुपम है, जिनको कोई उपमा की जरूरत नहीं है, कोई अलंकार की जरूरत नहीं है। जितनी उपमाएं 1008 नाम भी हमने किसके बनाए, अरिहंतों के बनाए, तीर्थंकर के बनाए, सिद्धों के कितने नाम है आप विचार करके रखना। सिद्धों को तो अनुपम कह दिया, अचल कह दिया, अमर कह दिया। सिद्धों के 1008 नाम नहीं है, सिद्धों के पास तो जो हमारी समाधि के लिए कह दिया गया, आदि उपाधि और व्याधि से जब रहित होगे तब तुम्हारी सम्यक समाधि होगी। तो विचार करके रखना, आज जो 16 गुण हैं भगवान ने प्राप्त किए हैं वो भगवान के नहीं, हमारे भी हैं। बस उनने उनको निकाल के दिखा दिया है और हम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वह परत दर परत, मोह की परत, कर्मों की परत, संसार की परत, इच्छाओं की परत ये लगी हुई हैं। इनसे हटकर अपने जीवन को समझना है। बगेगांव वालों, बहुत पुण्य है आपके, सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र की आराधना, और वो भी संतों के, भगवंतों के सानिध्य में बैठकर मुनि और आचार्यों के उपदेशों के माध्यम से आप समझ रहे हो। विचार करना, ये सब पुण्य कभी कोई तुमने अनचाहे पुण्य किए होंगे, इसलिए आपको अनचाहा यहाँ पे लाभ मिल रहा है। इस लाभ को लेकर 9 दिनों में 8 दिनों में, आज दूसरा दिन है, देखते देखते 8 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन 8 दिनों में रोज एक संकल्प अपने मन में ऐसा करना कि हम अपने आप को कैसे पा सके। कभी सोच लेना, जमीकंद बहुत बार खा लिया, अनंत काल से जमीकंदों में लगे हैं, अब हम 8 दिनों में तो खाएंगे, अभी तो चल नहीं रहा होगा ना, वहां पर जमीकंद तो नहीं होगा। हाँ, पुरुष वर्ग चाहें भी तो ये महिलाएं लेने नहीं देंगी, कहेंगे नहीं अभी 4 दिन नहीं करना है। तो आप विचार करना, कोशिश करना। जैसे हम नॉन वेज वालों को कहते हैं ना कि भाई तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम महीने में एक बार कर लेना, बाकी छोड़ दो। तो तुम लोगों से भी कह रहा हूं, अगर नहीं जमीकंद छोड़ पाओ तो 8 दिनों में ये संकल्प कर लेना, वैसे तो छोड़ ही देना, नहीं तो ये संकल्प तो कर लेना। बहुत जरूरी हुआ, शादी विवाह पार्टी में जाना पड़ गया और वहाँ पर अगर हमें नहीं मिला तो जमीकंद, एक एक जमीकंद में इतने आलू के अंदर एक सुई डाली जाए, उसमें जितने जीव मर रहे हैं उतनी अभी सिद्ध नहीं हुए। ये बात आप सोचना, ये द्रव में आएगा लेकिन भावों में आ जाए, नहीं मैं जो जमीकंद का सेवन नहीं करना है, तो आपकी विधान में, पूजा में बैठने का सार तत्व आएगा और सार्थक होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, आज इतना ही आपसे, इतना ही कहूँगा, शेष चर्चा फिर कल करूँगा। 8ों दिन सिद्धों की आराधना कराना है, एक एक गुण आपको प्राप्त हों, कैसे रिद्धियाँ प्राप्त होंगी, शिलान्यास भी करना है, और सब कुछ होगा तो बहुत आनंद आएगा। आज इतना है, ओम नमः, जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदवड़, श्रीमती भवरी देवी चांदवड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदवड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत, अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।